सब्सक्राइबर बढ़ा दी, तो उसके लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आप कंटेंट देख के तो मतलब थंबनेल देख के तो आप पहचान ही चुके होंगे। और तो आज हम करने वाले हैं पुराने सामान की बिक्री। तो आप देख सकते हैं कितना सारा सामान आ रखा है, इतने सारे गणपति जी। आपको पहले पूरा दिखा देते हैं, यहाँ पे मैनी टाइप्स ऑफ गणपति जी, और यहाँ पे कई सारे कंबल रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक सोफ मैडम ही है, 3 करोड़ की एक मिलेंगी, और ड्रेस के साथ हैं ये सोफ, बड़ी महंगी मिलती है। तो और अब यहाँ पे मजाक कर रही थी मैं नहीं बिकने वाली। और यहाँ पे एक कुछ छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स रखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ वो मेल्टन्स रखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ दो वो ना प्लांट्स के लिए हैं, और यहाँ पे कुछ वो बैग्स रखे हुए हैं, कुछ प्लांट्स। मैं बताना मत कि मेरी जैस्मिन दीदी को कि मैं उनके प्लांट्स बेच रही हूँ, वरना वो हमेशा हर जगह जंगल जंगल कर देती हैं। और यहाँ पे बुक्स हैं, स्केच पेंस हैं, और यहाँ पे कुछ बॉल्स वगैरह रखी हुई हैं क्योंकि लोगों को करना है। और यहाँ पे कुछ अलमीरा है, हाँ ये तो बताना मैं भूल गई। तो यहाँ पे अलमीरा है, बहुत बड़ी सी है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी टीवी है। और अलमीरा आपने एक चीज़ गेस की होगी, इमोजी। इमोजी तो आप कमेंट करके बताइएगा इन सब में से सबसे सबसे ज़्यादा कौन सा इमोजी यूज़ होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, इन सब में से सबसे ये वाला इमोजी यूज़ होता है। ये सेकेंड पे आता है, पर फर्स्ट टीयर वाला है, टीयर जो एक इंसान होता है और टीयर दो टीयर्स के साथ रहता है। और यहाँ पे आके देखिए कैमरामैन। ओके तो यहाँ पे हमारा एक शीशा रखा हुआ है, ध्यान से दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक टीवी है, और एक ये क्या नाम है, फोटो लैम। हाँ दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गई, टीवी का शीशा है, मैं उल्टा लटकी हुई, पहले सीधी हो जाती हूँ। हाँ तो ये जो सेकंड नंबर वाला देख रहे हैं ना टीवी, जब बिकेगा तो आप तब भी देख लीजिएगा, वरना मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप कुछ देर इंतज़ार करते हैं और शायद कस्टमर आ जाए। अरे रस्ते का माल ले लो, सस्ते में सस्ते में सस्ते में सस्ते में माल चल दो, माल चल दो। अरमान 2 रुपए में, नहीं नहीं कोई कोई में तो अरमान 2 रुपए में नहीं, अरमान 1,000 रुपए में, ए अरमान 1,000, अरमान 1,000, अरमान 1,000। चुप रहोगे? पता नहीं 1,000 का सामान कौन लेगा तुम्हारा। अरे इस दुकान पे चोरी करूंगी, यहाँ पे कितना एंटिक एंटिक सामान रखा हुआ है, इस दुकान पे तो चोरी करनी ही पड़ेगी। चलो इनकी मैडम से बात करती हूँ। अरे मैम। हाँ मुझे यहाँ पे ना मुझे कुछ सामान लेना था। अच्छा आपको क्या चाहिए आप बताइए, मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे चाहिए, मैं पहले देख लूँ आपके सामान में से। श्योर मैम, बट अगर आप कोई फाइनल करके आई है तो बता दीजिए। नहीं नहीं मैं तो अच्छा ऐसे ही देख रही हूँ। आप देखने के लिए आई है, अगर खरीदना होगा तो बताना। अलग हाँ, खरीदने के लिए ही कुछ आई हूँ। ओके नहीं, मैं तो चुराने के लिए आई हूँ। नहीं मैं तो चुराने के लिए आई हूँ। सॉरी सॉरी मैम, आप इसे ठीक कर देंगी? हाँ श्योर मैम, आप आराम से देखिए, मैं सब साफ कर दूंगी। ये ठीक है, इसे ले लो। हाँ ये तो एकदम ठीक है। अरे ऐसा करती हूँ, इसके ऊपर ही बैठ जाती हूँ। हाँ इसके ऊपर बैठ गई, अब अच्छा रहेगा। चलो इसके ऊपर बैठ जाती हूँ, वरना वो देख लेगी। हाँ हो गया मैम। 2 मिनट, ये क्या है? कुछ नहीं। उठिए मैम, उठिए प्लीज, हट जाइए मैम। उठिए उठिए उठिए। ओह माय गॉड, इन्होंने मेरा टीवी चुराया। ओह माय गॉड, दो दो इसे मैं अपनी शॉप से खरीद के लाई हूँ, तुम्हारी शॉप से नहीं लिया। ओह दो 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 मेरा दो। अब शुरू होने वाली है वकालत। तो सीमेक्स के लिए थोड़ा सा मसाला डालने के लिए सॉन्ग। आज अंधेरी रात है, भारत तेरे भाग, गुरुवंशी वकालत शुरू किया जाए। तो मैम आपके पास क्या सबूत है कि इन्होंने ही आपकी दुकान से चोरी करी है?
मेरे पास सबूत है, क्योंकि मैंने, मेरे को पता है कि मैं अपने स्टोर रूम से यहाँ पे बेचने के लिए सामान लाई। मेरे पे माय लॉर्ड मेरे पास भी उत्तर है, क्योंकि ऐसे हजारों टीवी हैं, मैं वो शॉप से भी तो ले सकती हूँ। पर यहाँ इस कॉलोनी में एक भी ऐसा शॉप नहीं जहाँ पे इस तरीके का टीवी मिले। हम वो नहीं, मैं उसे अमेरिका से लेके आई थी। माय लॉर्ड, ये कब से कह रही कि मैं यहाँ से लाई, फिर वहाँ से लाई, अभी अमेरिका से ले आई? नहीं, मैं अमेरिका से ही उसे लाई हूँ, आप उस पे चेक भी कर सकते हैं। अभी फिर आप कुछ देर पहले ये क्यों कह रही थी कि अभी मैंने पास वाले शॉप से खरीदा है? नहीं, अमेरिका में आप भी नहीं जानते, आप कभी अमेरिका नहीं गई, वहाँ पे भी कई सारे शॉप्स लगती हैं ऐसी। पर उनके सवाल का भी तो आपको जवाब देखना चाहिए। हमने पूछा कि आपको क्यों लगता है, तो उन्होंने बोला कि, इन्होंने पहले बोला कि मैंने पास वाले शॉप से खरीदा है। इनके पास क्या सबूत है, क्या इनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है, बताइए आप। हाँ, मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज है, हाँ, मेरे एरिया में लगा हुआ है, 2 मिनट मैं उसे अभी ओपन करवाती हूँ। तो सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ बताते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपने ही जुर्म किया है। ओके जज, मैं पूरे अपने होश और आवाज़ में ये मानती हूँ कि मैंने ही इस टीवी को चोरी किया है।